बिल्ली का रास्ता काटना अंधविश्वास या फिर कोई तर्क या फिर कोई लॉजिक। अक्सर ये देखा गया है कि आपने भी नोटिस किया होगा, आपने भी सुना होगा, इवन आपने अप्लाई भी किया होगा कि कभी कभी केसेस में बिल्ली रास्ता काट देती है आपके सामने से तो आप रुक जाते हो या फिर उस रास्ते से जाते ही नहीं हो। और ये ना डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। यदि आप ना फॉर एग्जाम्पल अकेले रहोगे ना तो उस बात को आप मानोगे, और हो सकता है जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उस धर्म के भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर आप रास्ता क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं इस बात को मानोगे। और एट द टाइम आप सोचो कि आप फ्रेंड सर्कल मतलब फ्रेंड्स के साथ हो, लाइक कूल डूड्स एंड ऑल, तो आप ना कूल बनने के लिए ना उस बात को मानोगे नहीं। मतलब अंदर ही अंदर तो आप मानते हो, बट आप बाहर ही बोलोगे अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, चलता है लाइक दैट। सो ये बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हमेशा से रहा है कि बिल्ली अगर रास्ता काटती है, कैट अगर क्रॉस करती है रोड, तो वो कोई अंधविश्वास है या फिर कोई लॉजिक है। ये सुपरस्टिशन और लॉजिक में हमेशा से लड़ाई चली है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट पे अगर आप कह लीजिए, क्योंकि वो भी एक साइंस है, और साइंस पे कोई भी बात अगर कही जाती है तो वो एक प्रूफ के साथ कही जाती है, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो कि प्रूव्ड है। पहली बात तो अगर हम बिल्लियों के बारे में थोड़ा जाने, सब जानते हैं, बचपन से सब देखे भी है, कई हो पाले भी होंगे। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, जो पेट कैट्स होती हैं, जिन लोगों के घर में बिल्ली एज अ पेट है, वो बुरा ना माने, वीडियो को पूरा देखे और उसके पीछे का लॉजिक समझे। सबसे पहले अगर बिल्ली के बारे में जान लें, कैट्स आर वेरी मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं वो। ठीक है, कैट्स कैन अनप्रिडिक्टेबल, और कैट्स आर अनप्रिडिक्टेबल, उन्हें आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है उनका, आज इधर आ रही कल उधर चले जाएगी, आज ऐसे चल रही कल वैसे चल लेगी। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, बट दे आर अनप्रिडिक्टेबल। कैट्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और कैट्स कैन नॉट हैव मास्टर्स। आपने देखा होगा कुत्ता कंट्रोल, इवन शेर तक कंट्रोल हो जाता है, सर्कस में शेर के भी ट्रेनर्स रहते हैं, वो उनको ट्रेन करते हैं, बट बिल्ली का कभी कोई ट्रेनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। जरूरी नहीं कि 2 दिन आपके घर बिल्ली आ रही है, आपका बात मान रही है, तो तीसरे दिन भी आपके घर आ जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल होते ही नहीं है, उनके मतलब एट्रीब्यूट्स है ही नहीं कंट्रोल पे रहना। ठीक है, और ये बात तो सब जानते हैं कि कैट्स हैव एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन, वैसे ही कुत्ते के पास भी होता है, मैक्सिमम जानवरों के पास होता है, बट बिल्ली और शार्क ही एक ऐसे मतलब एनिमल कह लीजिए या फिर मैमल्स में कह लीजिए, जिनके पास थोड़ा अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑर्गन रहता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। खैर, तो ये तो हो गई कैट्स के बारे में नॉर्मल बातें। अब अगर सेंस ऑर्गन्स पे आ जाए तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अच्छा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मतलब जरूरी नहीं कि भूत प्रेत पिशाच, वो सारी अलग चीज होते हैं, शायद वीडियो पड़ा होगा देख लीजिएगा या आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, लेट अस सपोज एक नॉर्मल घर है, घर का एग्जांपल ले लेते हैं, एक नॉर्मल घर है और एक हॉन्टेड हाउस है। नॉर्मल घर में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर जगह रहती है, आपके घर पे भी है, हॉन्टेड हाउस में भी होगी, बट उसका जो फ्लक्चुएशन होगा, आपके घर में एक अलग वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चल रही होगी, और एक हॉन्टेड हाउस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड होगी। आपने डिस्कवरी चैनल या किसी पे देखा भी होगा कि कुछ तो आता था भूत वाला, तो उसमें चेक करते थे मशीन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन कैसा है, जहां फ्लक्चुएट ज्यादा हुई वहां पर एनर्जी डिस्टर्ब है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हॉन्टेड हाउस में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं भी होती है, नॉट ओनली हॉन्टेड हाउस, अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी जगह पर एग्जीक्यूट हो रही है फिर चल रही है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल जगह से अलग होगा। और कैट्स एक ऐसा है कि कैट्स और शार्क जैसे कि मैंने कहा था, ये लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, कर कुत्ता भी लेता है, बट बिल्लियों में अलग एक मतलब बहुत जल्दी ग्रैप करते हैं उस चीज को, उनको तुरंत पता चलता है। या फिर कोई एनर्जी का भी फ्लक्चुएशन, घर में भी अगर एनर्जी इधर उधर हो रही है, वो आपने कई बार देखा होगा कुत्ते बिल्लियों को कि वो एक जगह स्टेयर करते रहते हैं, वहां कुछ रहता नहीं बट वो वहां पर देखते रहते हैं। एक्चुअली ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो नॉर्मल हम ह्यूमन नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई के हम कुछ मशीन्स के थ्रू भी उतना डायरेक्टली नहीं देख सकते जितना कुत्ता बिल्ली लोग देख सकते हैं। अब बिल्ली तो कुछ ज्यादा ही देख सकते हैं, आपने देखा होगा कंटिन्यूएशन में कहीं बिल्ली देख रही होगी देख रही, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर भूत है, बट वहां पर एनर्जी के फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वो उन्हें सेंस हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि मैंने आपको बताया कैट्स एंड शार्क आर ओनली एनिमल, और दूसरा चीज ये है कि आप एक चीज और नोटिस किए होगे, अगर हर के कॉलोनी में ना या हर के घर के आसपास या किसी जगह पे ना एक हॉन्टेड हाउस जरूर रहता है, और नहीं भी रहता है ना तो वहां के बच्चे वहां के लोग उस घर का नाम हॉन्टेड हाउस रख देते हैं, क्या भैया फलाना ठिकाना घर है भूतिया है, कई केसेस में होते भी है।
और अगर होते हैं तो आप एक चीज नोटिस किए होगे कि आप किसी भी हॉन्टेड हाउस के पास, इस टाइप के भूतिया घर के पास कभी किसी कुत्ते को नहीं देखे होगे। चलो ठीक है, स्ट्रे डॉग्स दिख जा रहे हैं, बट उसके अंदर कभी नहीं देखे होगे। आप कभी वैसे घर के अंदर घुसेगा, भूत आपको कुछ नहीं करेगा, कर दे तो वो आपकी जिम्मेदारी। बट अगर कभी आप अंदर घुसेंगे, एंटर करेंगे उस हॉन्टेड हाउस या फिर ऐसा घर जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चलती है, वहां पर आपको कभी कुत्ता नहीं दिखेगा, वहां हमेशा बिल्ली जरूर से दिख जाएगी। ये मतलब हो भी सकता है यार कुत्ता दिख जाए कुछ खाने गया हो, बट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस बिल्ली ही दिखेगी, कुत्ता आपको नहीं दिखने वाला। इवन कैट्स को इसलिए भी थोड़ा सा बैड कहा गया है क्योंकि देखिए इनका आज से नहीं बहुत पहले से यूज हो रहा है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, या फिर तंत्र विद्या कह लीजिए, तंत्र पे भी इनका बहुत यूज होता है। जो तांत्रिक्स होते हैं बाहर के भी, इवन इंडियन तांत्रिक्स भी, हाँ ऐसे कई केसेस में देखा गया है कि बिल्ली का बाल, कैट का हेयर यूज करते हैं अपने रिचुअल को एग्जीक्यूट करने के लिए। और एंशियंट टाइम में भी ये सब बहुत चीज रहा है, खैर अलग टॉपिक हो जाता है। इवन जो नर्थ पुराण है उस पर भी कैट को थोड़ा बैड लक माना गया है। क्यों माना गया, उसका रीजन ये है। अच्छा अगेन फिर डिस्क्लेमर वाला बात कर लूँ कि जिनके आप पेट कैट्स हैं वो लोग बुरा ना माने, क्योंकि द थिंग इज दैट ना, देखिए अगर आप नेगेटिव चीजों को भी देखिए, कैट्स का एट्रीब्यूट होता है वो उनकी गलती नहीं है, वो कैट्स का एट्रीब्यूट है। जैसे कबूतर हो गए, मैं ये भी कहता हूँ वीडियो में, जहाँ पर कबूतर है वहाँ पर कबूतर को भगा दो, या फिर गायत्री मंत्र का चैंट लगा दो, या फिर वहाँ से हटा दो। क्यों, कबूतर गलत नहीं है, कबूतर अपनी जगह सही है, सेम वैसे बिल्ली अपना जगह सही है। ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग को ना नेगेटिव एनर्जी फील्ड बहुत अच्छी लगती है कबूतर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हटा दीजिए, क्योंकि कबूतर का जहाँ पर वास होता है वहाँ पर या तो पहले से नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है क्योंकि वो वहाँ पर आते हैं और वो उनको अच्छा लगता है, या फिर ऐसे होता है कि वो जहाँ पर बसेरा कर लेते हैं फिर वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट होने चालू। आप छोटा सा एग्जाम्पल लेना कि आप बहुत ज़्यादा हंसने बोलने वाले इंसान है, आप जहाँ जाएंगे ना आप अपने जैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस में आपके जैसे हंसने बोलने वाले इंसान मिलेंगे। आप दुख इंसान हो, बहुत ज़्यादा दुखार होते हो, हर समय अपना रोना रोते रहते हो, तो आप जहाँ जाओगे आपको अपने जैसे इंसान मिलेंगे, सेम मतलब एनर्जी अट्रैक्ट करती है अपने जैसों को। तो कैट्स और कबूतर भी ऐसे कि इनको नेगेटिव ऑरा बहुत पसंद है, या फिर नेगेटिव एनर्जी फील्ड इनको पसंद आता है, तो या तो ये नेगेटिव एनर्जी फील्ड पे ही पाया जाता है, या फिर ये जहां पर जाते हैं वो एनर्जी एक ऑरा थोड़ी बहुत नेगेटिव मतलब फ्लक्चुएशन आने लगती है। अब अगर पेट कैट्स की बात कर ले तो ऐसा आप भी देखेंगे, अगर एक नेगेटिव इंसान को चार पॉजिटिव इंसान के बीच रख दिया जाए तो कंक्लूजन यही होगा उसका, बात का कंक्लूड ये निकलेगा कि एक समय के बाद वो जो एक नेगेटिव इंसान है वो भी पॉजिटिव होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि चार पॉजिटिव इंसान है उसके साथ। तो अगर पेट कैट क्या है, आप घर पे बिल्ली पाल रहे हो, तो इन केस अगर वो नेगेटिव वाली या फिर उसका ऑरा नेगेटिव रहता भी है बट आपका घर का ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो एक समय के बाद वो बिल्ली का भी ऑरा ना पॉजिटिव क्लीन होने लग जाएगा, या फिर उसकी जो नेगेटिविटी है वो न्यूट्रलाइज, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो न्यूट्रलाइज होती है, तो उसके ऑरा न्यूट्रलाइज होने लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं पेट कैट्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसे पर्सनली बिल्कुल मत लीजिएगा, पेट कैट्स की बात अलग होती है। अगर हम बात कर ले कि कैट को बैड लक क्यों या फिर बुरा क्यों कहा जाता है, देखिए एस्ट्रोलॉजी में ना राहु के बारे में सब जानते हैं, मैंने अपने कई वीडियो पे डिस्कस भी किया है राहु केतु सबके बारे में। तो जो अगर पेट कैट बोल रहा हूँ, जो कैट्स होती है उन्हें एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट पे ना राहु माना गया है, या फिर ये कह लीजिए कि कैट को ही राहु माना गया है। सो द थिंग इज दैट ना, राहु कौन है, द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। राहु एक ऐसा चीज है जिसके आने में ब्राइटनेस खत्म हो जाती है, या फिर ये सोच लीजिए कि उजाला खत्म हो जाता है, उजाला को पॉजिटिविटी मानी गई है, डार्कनेस को नेगेटिविटी मानी गई है। सो कमिंग बैक टू अ पॉइंट, कैट्स आर कंसिडर एज राहु, ठीक है, क्यों राहु को माना गया है। अब आप एक बात समझिए, किसी के एट्रीब्यूट्स अगर मैच कर रही है, अगर आप राहु के एट्रीब्यूट्स देखोगे, राहु भी अनप्रेडिक्टेबल है, राहु भी कंट्रोल नहीं होता, इन केस आपके आपका राहु भारी हो गया, आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी देखा गया, या फिर आपके में राहु भारी है, या फिर राहु है थोड़ा सा स्पाइक पे, आप अनप्रेडिक्टेबल रहोगे, आप कब क्या काम करने वाले हो आपको खुद को नहीं पता रहेगा, आपका दिमाग कब क्या सोचने वाला आपको खुद को पता नहीं रहेगा, आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाओगे, आप कंट्रोल पे नहीं रहोगे किसी में, इवन आप खुद भी राहु को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा हाँ राहु है ना। रेमेडीज कर सकते हो आप और 101% वो रिजल्ट देती है, बट द थिंग इज दैट ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लेट सपोज कोई एडवाइजर एडवाइस दे रहा तब आप समझोगे, बाकी आप खुद में नहीं समझ पाओगे कि मैं कर क्या रहा, क्योंकि वो मतलब कंट्रोल हो ही नहीं सकता, और राहु भी मिस्टीरियस है। तो कैट्स और राहु के एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा मैच करते हैं, यही लॉजिक है कि कैट्स को एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में राहु माना गया है। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे, बिल्ली का रास्ता काटना, जिससे हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था। देखिए
बिल्ली का रास्ता काटना भी बहुत टाइप का होता है, जरूरी नहीं है कि हर बिल्ली गंदी हो। पर मैं पर यार गंदी और सही की बात, अच्छी और गंदी की बात नहीं हो रही है। द थिंग इज दैट कि आप लॉजिक को समझिए, रूट कॉज को समझिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि राहु और कैट, मतलब राहु को कैट माना गया है, या फिर पार्डन मी, कैट्स को राहु माना गया है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस होती है भैया, बिल्ली रास्ता काटेगी, ये रास्ता है, या तो यहां से यहां काटेगी या तो यहां से यहां काटेगी। मतलब कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट काटेगी या फिर राइट टू लेफ्ट काटेगी। अब जैसे कि आप ये चीज आप पहले तो क्लियर कर लीजिए, राहु इज इक्वल टू कैट्स या कैट्स इज इक्वल टू राहु, यानी कैट्स को राहु माना गया। अब अगर बिल्ली रास्ता काटती है लेफ्ट साइड से, तो वो बनता है जो कॉम्बिनेशन कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो बन जाता है राहु मून। कैट्स राहु है, वो लेफ्ट से रास्ता काटी तो उसे कहते हैं कि राहु मून, ठीक है। इसे आगे और अपन डिस्कशन पढ़ेंगे। तो राहु मून का कॉम्बिनेशन बनता है अगर वो लेफ्ट से राइट काटती है, और यदि बिल्ली रास्ता राइट से लेफ्ट काटती है तो वो बन जाता है राहु सन। अब आप बोलोगे राहु सन और राहु मून होता क्या है? राहु सन और राहु मून होता यह है कि अगर राहु सन की हम बात करें, पहले लेफ्ट से काटने वाले की बात कर लेते हैं, तो जिसे हम राहु मून कह रहे हैं, राहु मून का मतलब होता है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण में होता कहते हैं कि चांद एक ऐसा लूनर बॉडी है ना जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। क्यों करता है? इसके पीछे का लॉजिक यह है कि देखिए, आपने ये चीज हाई टाइड लो टाइड भी पढ़ा होगा कि जब चांद थोड़ा पास आ जाता है तो हाई टाइड होती है। कई बीचेस में आप गए होंगे, देखे भी होंगे कि रात के वक्त बीच थोड़ा सा खाली करवा देते हैं, क्यों? क्योंकि समुंदर का पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि रात में चांद दिखता है, चांद अट्रैक्ट करता है। तो अपना बॉडी भी जो है उसमें 70% ऑफ द चीज पानी है, मतलब लिक्विड से बना है। तो जब मून आता है वो हमारे बॉडी को भी फ्लक्चुएट करता है। तो आप ये कह लीजिए मून आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अगर बिल्ली लेफ्ट से रास्ता काटी है तो वो राहु मून बनता है। तो ऐसे कुछ गड़बड़ एकदम नहीं हो जाता है, बैड लक किस लिए कहा जाता है? अब बैड लक किस लिए कहा जाता है? क्योंकि अगर आप लेट अस सपोज लेफ्ट से बिल्ली रास्ता काट दे और आप उस रास्ते से निकल गए, तो आपको जैसे कि ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मून आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो क्या होगा कि आप थोड़े से मेंटली अफेक्टेड होंगे। ज्यादा होगा कि मतलब मेंटली अफेक्टेड, या फिर कोई बुरी चीज सुनने को मिलेगी, सैड न्यूज मिल जाएगी, या फिर कोई बुरी न्यूज मिल जाएगी आपको, या फिर जिस काम से आप निकले हो वो वर्क डिले हो जाएगा, क्योंकि वो आपको इमोशंस को ही कंट्रोल कर दे रहा है। आपकी जो एनर्जी की स्पाइक है, आपकी कोई काम करने की स्पाइक है, उसको स्लो कर दे रहा है। तो या तो आपको काम स्लो हो जाएगा, या फिर कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है जो आपको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं राइट। अगर बिल्ली राइट से रास्ता काटती है तो उसे राहु सन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस भी पर्पस, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, वो आपका मेन, सबसे सोच लीजिए सबसे पावरफुल सोर्स है। एथिकल क्वालिटीज अप रहती है आपकी, आपका दिमाग प्रॉपर काम करते रहता है। तो सन राहु जब बनता है तब होता क्या, अगर बिल्ली राइट से रास्ता काटी है तो द पर्पस फॉर विच यू आर गोइंग फॉर वर्क विल नॉट बी फ्रूटफुल। आप जिस भी काम से घर से निकले हो वो या तो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं एग्जीक्यूट तो आप कर लोगे क्योंकि सन है, वो आपको अंदर एक जील जगाता है कि भैया करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, बट वो फ्रूटफुल नहीं होगा क्योंकि कहीं ना राहु भी आ गया। तो ये है लॉजिक बिल्ली के रास्ता काटने या ना काटने का। इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सीज बनाने की जरूरत नहीं है। आई नो कि जिनके घर पेट कैट्स है उन्हें बुरा लगा होगा, बट इसमें बुरा लगने वाली कोई भी बात नहीं। मैंने एक एक लॉजिक समझाया, इवन पेट कैट्स के बारे में भी बताया कि आप लोग को ऐसे पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये एक साइंस कि बिल्ली रास्ता काटती है तो भैया उसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? डेफिनेटली मानना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल बात है, वो कोई हवे में की गई बात नहीं है। चलो, जिनके घर पेट कैट्स हैं उनके बारे में भी एक बात बोली दिया जाए, ताकि वो ये ना सोचे कि भैया इन्हीं के बारे में पूरा बात कर दिया है, बिल्ली का बुराई बता दिया, अच्छाई नहीं बताया। अच्छाई भी होता है, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव भी होगा। तो अगर बिल्लियों की बात करें ना, तो उस पर गुड थिंग्स ये है कि अगर बिल्ली कभी 3 बच्चों को जन्म देती है अगर आपके घर में, तो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। ऑस्पिशियस क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, यानी हम सेकंड पार्ट निकालेंगे अगर पॉसिबल रहा तो। तो यदि आपके घर पे 3 बच्चे दे रही है कोई बिल्ली एक साथ आप ही के घर के अंदर, तो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। आप समझ जाए आपके घर पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है या फिर कोई गुड न्यूज आने वाली। और दूसरा ये है कि अगर आप 3 बिल्ली एक साथ देख लेते हैं, ऐसे क्यूट क्यूट सी बिल्ली, वैसे बिल्लियां क्यूट भी होती है, बदमाश भी होती है, बट आप क्यूट क्यूट सी बिल्ली देख लेते हैं कहीं पर भी, नॉट ओनली इन योर हाउस आउटसाइड ऑफ द हाउस, अगर आपको 3 बिल्ली एक साथ दिख जाती है वो भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और ऐसे बहुत सारे ऑस्पिशियस बातें हैं, सो मैंने लिख दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जिनको अगर बिल्ली और जिनको बिल्ली पसंद है तो एक्सेट्रा वाला बात आप खुद ढूंढ लीजिएगा, और समझ नहीं आया तो लॉजिक अपन बता देंगे। थैंक यू।